Hey guys, welcome back to our YouTube channel. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल? बहुत बेहतरीन है सबके हाल. सो आज हम लेके आए हैं आपके लिए करने जा रहे हैं हाउ वेल वी नो ईच अदर. यस. तो और जो नहीं कर पाएगा, जिसने आंसर गलत दिया उसको मिलेगी पनिशमेंट. नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे ये लोग, बिल्कुल नहीं रुकेंगे. इसलिए आप इनको रोकने की कोशिश भी छोड़ दीजिए और चलिए. सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज देयर फेवरेट कलर? मतलब व्हाट इज माय फेवरेट कलर? पहले तुम बताओ तुम्हारा फेवरेट कलर है. अरे ब्लू यार. नहीं हाय, अरे कभी ब्लू कहती है कभी ब्लैक कहती है. मेरा तो फेवरेट कलर ब्लू नहीं. अरे मैं बता रहा हूँ, एक और चांस दे दी. चल लास्ट. वो ग्रीन. अरे वो तो मस्टर्ड, मस्टर्ड येलो, मस्टर्ड येलो. अरे यार मेरा फेवरेट कलर है रेड और ब्लैक. दोनों में से कोई भी नहीं बताया इनने. कभी तुम रेड कहती हो, कभी तुम ब्लैक कहती हो, कभी तुम्हारा. अब दोस्तों अभी वीडियो देखोगे तो हो सकता है इसका कलर चेंज हो जाए. तो मेरा रेड और ब्लैक कलर है, ये सबको पता होगा, मेरे दोस्तों को पता होगा. जल्दी से अगर तुम लोग देख रहे हो ना, कमेंट करके बताओ मेरा फेवरेट कलर कौन सा है. देखते कौन सही बताता है. सो इस बंदे का फेवरेट कलर है ब्लू एंड व्हाइट. ब्लू एक कलर बताना. ब्लू है कि व्हाइट है? ब्लू भी है व्हाइट भी है. एक बताना. ब्लू व्हाइट है. हाँ गलत. ब्लू भी है. ब्लू भी है. ब्लू ही है एंड व्हाइट. ब्लू है. ब्लू है. अब तो हो गया ना व्हाइट. ब्लू एंड व्हाइट बोला फाइनल में. व्हाइट बोला मैंने. कहा एक बताना. तुमने कहा व्हाइट है. ब्लू है. जस्ट नहीं, ऐसे नहीं, नहीं कैंसिल. तुमने कहा, मैंने कहा कोई एक बताओ, तुमने कही व्हाइट है. अब कह रही हो ना ब्लू. तो जब तुम्हारा गलत साबित हो गया. ब्लू एंड व्हाइट नहीं बताया था ना. दो चीटिंग. ऐसा मैंने ही बोला था. कभी ब्लू कहती कभी रेड कहती. ब्लू तो मैंने कभी नहीं कहा. मेरा फेवरेट पहनी कौन सी यार? पहनने से क्या, तुम भी पहने कौन सा? ब्लैक पहने. व्हाट इज योर फेवरेट मूवी? दिल तो पागल है. दिल तो पागल है. दिल भी मेरी बता. चल 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 मेरी बता. अरे वो उसकी करीना कपूर वाली तो वो है तुम्हारी. अब तुम्हारी एक थोड़ी ना है. मेरी तुम्हारी एक तो हम तो मैं तुम बता रहे हो. ठीक है हम तो नहीं है तुम्हारी. क्या था जनता के सामने एक, एक करीना कपूर वाली है मुझसे दोस्ती करोगे? एक मूवी बहुत. एक जब भी मेट है. एक मूवी बतानी है जो हॉट फेवरेट है. करीना की है. हॉट फेवरेट करीना की है. करीना से भी पहले आई है. करीना से पहले आई है. बहुत अच्छा जानते हो मैं बिल्कुल पागलों की तरह कितनी भी बार देखती हूँ. हम तुम नहीं बार बार तुमसे भी कहते तुम भी देखो तुम नहीं देखते हो. हम तुम नहीं नहीं ये झूठी यार. तुमने उस मूवी के लिए ये तक बोला है. मैंने तुम्हें बताया भी है. तुमने ये बोला है यार मैं नहीं देखा. कितनी बार देखेंगे ये मूवी. सही कर लिया. सैफ अली खान है उसमें. हाँ ठीक है. और वो है अंधी वाली ब्लैक मूवी वाली कौन थी वो? सॉरी करीना कपूर. करीना कपूर. करीना कपूर. अब तो और गलत चला. अरे एवन बता मूवी का नाम बताया दो ना. सैफ अली खान है. अब लास्ट ये मैं लास्ट. टिक टिक फाइव. हां सैफ अली खान है. टिक टिक नहीं चलेगा. हिंट क्या थी? मैंने बताया सैफ अली खान. अरे यार भगवान कौन सी थी? हम आपके हैं कौन? नहीं नहीं हमें तुमसे चुरा लो. देखो मैं बता रहा हूँ. हो गया बहुत टाइम हो गया. चलो दंगल दंगल. अरे नहीं एक मिनट एक मिनट को बता रहा हूँ. याद आ गई याद आ गई. उसमें सैफ अली खान है और प्रीति हिंदा. याद आ गई. अरे यार वो उसमें एक दूसरे के संग लिव इन में रहते हैं फिर अलग हो जाते हैं. अरे अब हो गया कैंसिल. कटती सलाम नमस्ते. तुमने बताया है पर ये गलत है यार. जब मुझे मूवी समझ में आ गई तो मैं धे ये है कि पता है कि नहीं पता. व्हाट इज देयर फेवरेट सॉन्ग? बताओ तुम्हारी पहली बारी. व्हाट इज माय फेवरेट सॉन्ग? सतिंदर सरताज. कौन सा नाम? नानक. अरे नानक कौन सा? अरे कोई नानक नाम से गाना ही नहीं गाया है ना. अरे वो है नहीं पांच नदी का पानी क्या है वो? वो है नहीं है. हाँ है. है? तो नाम बता. बोला हिंदी में सही बोला. हाँ तो बस बता है ना मतलब. उस गाने का नाम क्या है? वो फेवरेट गाने का नाम है
पानी वाला ही गाना सही है। चल मैंने सही बता दिया, पांच पानी वाला है, पानी पंजा दरिया, पानी पंजा। अनुराग का फेवरेट सॉन्ग है, एक तो सॉन्ग है दिलेर मेहंदी के सारे, और एक फेवरेट बता, एक तो वो भी है रिसेंट फेवरेट, रुसिया ना कर मेरी जान सजना। ये मैं जीत गई, मैं अभी एक बार भी नहीं गाना, मैं बहुत अच्छे से गाना। क्वेश्चन, व्हाट इज देयर फेवरेट फूड? पहले मैं बताऊं, बहुत अच्छा गाना, मैं इतनी फूडी हूं कि मुझे बहुत सारे ऑप्शंस गाड़ी की तरह के गाना। मारा चिकन, बिल्कुल गलत जवाब, चिकन मेरा फेवरेट फूड है। तुम मैं चिकन ही खाते हो? ऐसा कुछ नहीं, चिकन में अगर किसी के घर में चिकन पार्टी हो रही है और अनुराग को पता है तो ये सेल्फ इनवाइटेड है। गलत नहीं, ऐसा है या नहीं? जो लोग इस बंदे का फेवरेट फूड है मेरा छोले भटूरे। अगर चिकन, अगर एक ऑप्शन देती हूँ अभी, बिल्कुल पार्टी नहीं, ठीक है, अगर एक के घर पे छोले भटूरे बन रहे हैं और एक के घर पे बनी है बिरयानी, विनोद भाई के घर बनी है बिरयानी, तो तुम किसके घर खाने जाओगे? आप बताओ, बताओ। तो वो बात नहीं है, देखो बात... मुझे पता है बंदा बिरयानी खाने जाएगा। व्हाट इज देयर फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर बताओ। चलो माय, पहले बताओ। चॉकलेट है, चॉकलेट तो है ही। तुम फेवरेट वेनिला है? वैनिला तो मुझे कभी जिंदगी में समझ में नहीं आता, बटर स्कॉच वैनिला सेम सेम लगता है। कभी वैनिला तो बटर स्कॉच था, बटर स्कॉच जो तुमने आज बोला भी था, मैं जब खा रही थी। हाँ, हेजलनट। सारे बता दिए तो जिसमें मुंह पे रिएक्शन सही आया है जिंजर के। हेजलनट नहीं है, तुम्हारा है मैंगो। वो चुस्की नहीं आ रही मुझे, अब बेटा दबा दे, मुझे आइसक्रीम ही नहीं पसंद है। पहली बात तो आइसक्रीम नहीं पसंद, अब तो क्या उससे मतलब नहीं, जबरदस्ती डाल रहा है इसने मुंह मेरा, जबरदस्ती झूठ बोल बोल के मुझे फंसा रही है। जब आइसक्रीम पूछा गया है ना पहली कौन सा, तो मैंगो खाते हो, अगर खाओगे तो तुम मैंगो मैंगो ही लेते हो। जस्ट मैंगो तो मैं कभी नहीं लेता, मुझे मैंगो बहुत अच्छी लगती है। ऑरेंज, ऑरेंज हां, वो पीली वाली होती है, उसका नाम नहीं होता, जिसका नाम नहीं होता ना ठेले पे मिलती है, वो वाला कोरियन है क्या है वो, इटालियन क्या बवाल है उसका, जैक एंड जोन्स क्या नाम है उसका, पगले का अंग्रेज है उसमें। हाँ, टर्की वाला सही है, बताओ मेरे टर्किश वाला, अरे रुक जाओ, अंग्रेज है, सैनम, हाँ अर्जुन बता, अरे यार फोर, ओए नहीं ना, टिक 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 टू टिक टिक वन, और अगर मैं बात करूं कोई ऐसा शो की तो बंदे को वो बहुत पसंद है, क्या कहते हैं, क्राइम तक पे नहीं आता क्या, शम्स की जुबानी। अब बस, अब तुम आ जाओ, तुझे पसंद गलत जवाब, शक्तिमान। शक्तिमान पता ही नहीं है। वन टू मेरा इतना बड़ा नहीं है, एकदम दोस्तों मजा सा आ गया है मुझे, दो बार मुंह डुबो कि तो मजा सा आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है देखते हुए, कैरी में नाती बन गया हूँ। डेस्टिनेशन दे वुड लव टू गो टू, ठीक है मेरी बताओ पहले और फिर तुम्हारी बता दूँ। पेरिस, पेरिस नहीं है। माय ड्रीम डेस्टिनेशन, माय ड्रीम डेस्टिनेशन, नेवर एवर, आई टोल्ड यू। अरे वो न्यूयॉर्क स्क्वायर, नो वो स्क्वायर स्क्वायर जो है न्यूयॉर्क नहीं, हां वो सॉरी टाइम, दैट इज नॉट माय ड्रीमी डेस्टिनेशन। ये बदल रही मुझे डूबो डूबोने के लिए, बट पंच से मेरी एक ही है, सब जानते हैं डेस्टिनेशन ग्रीस यार। तो चलिए शुरू नहीं करते हैं, तुम बताओ।
तुम्हारी वो तो आए सारी जगह स्विट्जरलैंड वो भी है। तो एक क्वेश्चन पूछेंगे हम एक दूसरे से अपने अपने। अगर मैं आरजे नहीं होती तो मैं क्या बनती? अगर तुम आरजे नहीं होती तो मैं कौन सा प्रोफेशन चूज करती? इंटीरियर डिजाइनर होती तो तुम वो होती मेकअप आर्टिस्ट। अरे यार कोई घंटा वो नहीं पड़ता। टीचर तो नहीं जाती पसंद है। अब तो बिल्कुल ही आया दूर दूर तक भी नहीं। आर्मी ऑफिसर होती मैं। अरे हाँ यार शिट ये तो कोई पता था यार लोगों को नेट आफ्टर 12th में जाने वाली मुझे पता था यार ये मुझे पता था ये दूर मुझे पता था डिफेंस में मुझे पता था मैं भूल गया। तो तुम तब भी इंजीनियर ही होता है क्योंकि जब तुमने चाहा हो तुमने पाया। खाना जो है खाना कहाँ पसंद है? तो पहले मैं तुम्हारा बताऊँ। कॉन्टिनेंटल मतलब कि एकदम फाइव स्टार टाइप के होटल में या ढाबों पे पसंद क्या? एक एक ये या ये ढाबे पे ठीक है तुम्हारा भी ढाबा ही होगा। ढाबा ही है फाइव स्टार में हम कभी जाते नहीं बहुत महंगा होता है साला बैगन। कुछ लोग पता क्या करते हैं ना जैसे जो बोलते हैं कि ढाबे में जब वो विदेश जाते हैं तो उन्हें पास्ता आता है तो पास्ता आता है तो वो ऐसे दिखा के खाते हैं दिस इज रियली टेस्टी। पाव में थी उबली हुई आ गई ठीक है उसमें कच्चे वो टोमेटो वो पीस के कम से कम 2000 रुपए की चाउमीन पास्ता उनके अकॉर्डिंग पास्ता पता नहीं ये लोग चाउमीन जैसा पास्ता क्यों बोल रहे हैं। पास्ता भाई मैं मुझे इंडियन टेस्ट और मुझे मसाले और स्पाइस अगर खाने में ये नहीं है ना तो मेरे लिए आप पंजाब में देखो मैं अपने मेरे यहाँ सारे लोग चटपटा खाते हैं। Doesn't matter कि आप overweight हो, doesn't matter कि आपको डॉक्टर ने मना करा है, doesn't matter कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। अगर खाने की बात आती है सबसे पहले खाना कुछ भी हो वो भी तीखा स्पाइसी बोलो और मसालेदार। पता हमारा आज का चैलेंज आई होप आपको अच्छा लगा हो एंजॉय किया हो आपने और अगर आपने एंजॉय किया है प्लीज कमेंट करके बता दो कमेंट कर दो भाई कमेंट करके बता दो। कमेंट तो नहीं करेंगे मुझे पता है हमारी कुछ ही दोस्त हैं कुछ ही लोग हैं जो बेचारे एंड तक देखते हैं मुझे आज ही पता चला। उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने कमेंट करके हमें बताया कि आप हमारी वीडियो आखिर तक देखते हो ना अपना सपोर्ट देते रहो और हमारे चैनल को प्यार करते रहो। जल्दी ध्यान रखना एक चीज बहुत जल्दी हम मिलियनों में होंगे जब हम नहीं पढ़ेंगे कोई कमेंट वमेंट ध्यान रखिएगा। अभी जिसको अपना नाम हमें बतवाना है कमेंट करके भेज दो भैया फिर भूल जाओ बहुत जल्दी ये एक वीडियो हमारी जाने वाली है ध्यान रखना बता तो दूं ये लोग सोच रहे होंगे कि हल्के में छोटे मोटे यूट्यूबर हैं।